एक आता है 75-10 जो है ना शिकारी सोल में, अच्छा, और एक 410 की शेप में आता है, अच्छा, और एक जो है ना 5 बार जो है सादर अच्छा में बनता है। हमारा 3 ब्रांच है, तीन ब्रांच में, एक कराची में, एक नौशकी में, फाजवार के नाम से मशहूर, फाजवार बलोची जुबान का एक लफ्ज़ बलोची नाम है। तो नौशकी में लोगों की सहूलत के लिए ये दुकान बनाया गया है। तो मरकज़े वीला चैनल में तमाम नाज़रीन को हम खुशामदीद कहते हैं। आज हम पहुँचे हैं नौशकी का एक मारूफ बलोची चप्पल, फाजवार के नाम से जाना जाता है, आज हम उनके दुकान के सामने हैं। आज हम लोग दुकान का विजिट कराएंगे, चलो देखते हैं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये नौशकी का मारूफ चप्पल सूज बलोची फाजवार के नाम से जाना जाता है। ये इनका लोगो है, फाजवार के नाम से दुकान का पहचान है। तकरीबन नौशकी में ये चंद सालों से खुला है। आज हम उससे पूछेंगे ये फाजवार के अहमियत के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्पेशल बलोची चप्पल, बलोची शूज़ और बलोची पासवार के नाम से जाना जाता है। लोग दूर दराज इलाकों से इन बलोची चप्पल, बलोची छवट को ख़रीदते हैं और ईद के मौके पर जीनाजीन आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेशल जो छवट है, मुख्तलिफ साइज़ के, मुख्तलिफ नंबरों के यहाँ पर जो जूते पड़े हुए हैं, और गाय दूर दराज इलाकों से आते हैं, इनको पसंद कर लेते हैं। बलोची पाजवार के दुकान में नौशकी के एक मारूफ बलोचिस्तान के साफ़ी है, जंग अवजीव के नुमाइंदे हैं जनाब आज सईद बलोच साहब, वो भी फाजवार के इस दुकान शॉप में मौजूद है और वो अपने ईद के हवाले से जो जूते हैं उनको पसंद कर रहे हैं। हर एक का अपना चॉइस और पसंद होता है, और मुख्तलिफ जो गायक है वो फाजवार जूते के जो शायकीन है वो आते हैं अपने लिए जूते पसंद कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाइस साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, खुश भाईदार है। और आज आप यहाँ पे फाजवार की दुकान में कौन सा जूता पसंद करेंगे? आप लोग फाजवार के बलोची में, बलोची नाम है, तो नौशकी में लोगों की सहूलत के लिए ये दुकान बनाया गया है। तो नौशकी के शहरी बलोची चप्पल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अच्छा, और इसलिए भी आप देख रहे हैं लोग अपनी ईद की खरीदारी कर रहे हैं, अच्छा, और कीमतों में काफ़ी इजाफा भी हुआ है पिछले साल की नस्बत, खरीदारी हो रही है। चलो ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद जी आपका नाम? खुर्शीद अहमद। खुर्शीद भाई आप हमें ये बताइए, जो जूते जो फाजवार है यहाँ पे नौशकी में बनता है या क्विटा में बनता है, बलोचिस्तान के किस इलाके में बनता है? जो है ना क्विटा में बनता है, हमारा 3 ब्रांच है, 3 ब्रांच में, एक कराची में, एक नौशकी में, अच्छा अच्छा बनता है, सारे कारीगर क्विटा में। अच्छा, इसका मतलब एक नाम है जो फाजवार के नाम से मशहूर है? फाजवार के नाम से मशहूर, फाजवार बलोची जुबान का एक लफ्ज़। अच्छा, फाजवार मतलब बलोची जूते, बलोची चप्पल को भी कहते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताएं जो बलोची फाजवार जो चप्पल है इनका जो नाम बताएं, कौन कौन से किस्से में, कौन कौन से स्टाइल है? एक
आता है 75-10 जो है ना शिकारी सोल में। अच्छा। और एक 400 लाख की शेप में आता है। अच्छा। और एक जो है ना पासवार जो है साधन की तरफ से मिल जो है। अच्छा जी हाँ। अच्छा इनका रेट आप हमें बता सकते हैं? रेट इसमें 1500 से लेके 3500 तक है। 1500 2500 के 3000 3500 के। और यहाँ पे मतलब बलूची पासवार चप्पल है मुख्तलिफ साइज मिलेगा? मुख्तलिफ साइज में 6 से लेके 14 नंबर तक आपको मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ अपना ऑर्डर खुद दे दूँ वो भी बन सकता है? वो भी बन सकता है आपके लिए हिसाब से। चलो ठीक जी। नाजरीन आप देख रहे हैं नुश्की में ईद का आमद है। नुश्की में इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के बलूची चप्पल बलूची चवट के दुकानें और शॉप्स है। और जब और आज आप लोगों ने इनसे खुद सुना कि ये पासवार जो है बलूचिस्तान का जो मशहूर कंपनी है चप्पल के हवाले से बलूची चवट के हवाले से उनकी 3 ब्रांच है। इनका एक नुश्की में भी है। आप लोग देख रहे हैं नुश्की के ये मेन शहरा भी है यहाँ पर। उषा जी आप हमें ये बताएं आप लोगों का जो शॉप है नुश्की में कौन सा जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन ताकि बताए लोगों को पता चले। नियर ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।